हाय दिस इज राम पुरवेश और अभी हमारे सामने एक सेवन का लग्जरी वर्जन है और इसमें काफ़ी सारे एसेसरीज लगे हुए हैं। एक चीज़ सबसे पहले कलर देखिए कि अभी इवनिंग का टाइम है, बिल्कुल इवनिंग है और मिडनाइट ब्लैक का जो लुक आता है ये बहुत ही डिस्टिंक्ट अच्छा लुक आता है। तो अगर आप डार्क कलर के शौकीन हैं तो थोड़ा सा मेंटेनेंस वाइट के मुकाबले ज़्यादा जाता है, बट समटाइम इट इज़ वर्थ या। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि एसेसरीज में इन्होंने लगाया हुआ है फ्रंट का, आपके अगर कहीं पे टच हो गए तो उससे बचाने के लिए, तो विच इज़ गुड इन डिज़ाइन। मैं प्राइसिंग मैं आपको बता दूँगा, कई तरह का एसेसरीज है और उसके क्या वैरायटीज़ है, क्या प्राइसिंग है, मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे ये आपका फुट स्टेप है, तो फुट स्टेप की जो कीमत आती है ये आपके 30,000 के आसपास का इसका कीमत आता है। और ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें एक इंच का कम होता है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ये है आपका जो चेसिस है, वो चेसिस से इसमें कुछ ये लेवल टू लेवल मैचिंग है, बट इसका जो फिटिंग्स हैं, फिटिंग्स आप देखेंगे यहाँ पे, ये फिटिंग ये एक इंच का आपका स्पेस लेता है। तो अगर आप स्पेस कॉन्शियस हैं, ग्राउंड क्लियरेंस में आप ऐसे जगह पे चलते हैं जहाँ पे थोड़े से ग्राउंड क्लियरेंस के इश्यूज आते हैं। चेसिस देखा जाए तो इसमें एक इंच दिखा रहा है, तो एक इंच का फर्क आ रहा है। तो एक इंच करने का मतलब आपका 25 mm का ये गैप कम होगा ग्राउंड क्लियरेंस में। और इसमें क्या है, इसमें खासियत ये है कि आपने अगर मर्सिडीज़ GLA सीरीज देखा होगा तो ये कार XUV700 एक काइंड ऑफ कॉपी है। ओके, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो YouTube पे काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। और उसमें भी फुट स्टेप है, तो एक ये जो डिज़ाइन दिया हुआ है फुट स्टेप का, ये मुझे बहुत अच्छा डिज़ाइन लगा। और इस फुट स्टेप के फ़ायदे क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपके बॉडी में अगर आप हेवी ट्रैफिक एरिया में अगर आप चल रहे हैं तो उसमें क्या है कि अगर साइड से बाइक या स्कूटर निकलते हैं तो कई बार लग जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये बचाव होगा क्योंकि कोई भी इससे बच के चलना चाहेगा इतना गैप में। तो एक ये है पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा क्या है इसका फुट स्टेप का, वो ये है कि आपका जो जब भी आप मडी एरिया में चल रहे हैं तो उसकी जो डस्ट है ये आपके बॉडी पर नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो डस्ट को कहीं ना कहीं काट देगा नीचे। ओके, तो ये है तीसरा इसका बेनिफिट है, ये है एस्थेटिक्स का, इसका लुक थोड़ा सा आपको SUV की फील आएगी अच्छी। ऑल्दो वेट ये ऐड करता है, ये हेवी होता है और दोनों तरफ एक एक आपको लगने के बाद थोड़ा सा वेट हो जाता है, बट उसके एक पॉजिटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड ये है कि आपका गाड़ी का जो स्टेबिलिटी है, कभी भी वेट बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। तो इसके साथ और भी एसेसरीज हैं, जैसे आप देखेंगे कि आपके सन ब्लाइंड्स ये सारे भी आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, उन सब के प्राइस मैं अलग से मैं आपको बता दूंगा, एक लंबी लिस्ट है तो उसको देख करके प्राइस आपको PDF में बता के काफ़ी हेवी उसे इसके लिए है। ओके, मैट इधर रखा हुआ है, जो मैंने मैट लिया है 3D मैट मैंने लिया है, तो 3D अच्छा लग रहा है। 70 थोड़े ज़्यादा कॉस्टली है, मैं प्राइस लिस्ट में बताऊँगा। और ये कवर है, इसमें कवर में मैंने स्पोर्ट मॉडल लिया है, इसमें 3 मॉडल है, मैं आपको प्राइस लिस्ट है हमारे पास वो मैं बताऊँगा। और इसमें ये क्या है यार, डिस्ट्रीब्यूशन लग गया है भाई। ओके, ये सीट के पीछे का ये है कोटिंग है, मैट बॉक्स में ही शायद ये पीछे का भी आएगा। ओके, तो यहाँ पे अपन बैठ भी सकते हैं, हाँ गुड ग्रेट ग्रेट। यहाँ पे मुझे लगता है अगर कहीं घूमने गए तो थोड़ा सा इसको छत जैसा ओपन करके यहाँ पे बैठ के थोड़ा नाश्ता वास्ता किया जा सकता है। इट गुड, इट इज़ हैवी एक्चुअली, काफ़ी हैवी है। अभी मैंने ओपन किया तो टेस्ट व्हीकल में तो
किया था, बट अभी जब न्यू कार एग्जैक्टली जो अनटच्ड है उसको उठा के देखा तो लगता है कि नहीं, ये आपको एक वजन महसूस होता है अच्छा खासा, और स्मूथली लॉक हो गया, यस विच इज़ गुड। सो गाइस ये था आज का छोटा सा वीडियो, कुछ आशा है आपके लिए कुछ हेल्पफुल हुआ होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं अगले एपिसोड में, टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।